हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो आज मैं कर रहा हूँ हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो आज मैं कर रहा हूँ हाउ आई मेक फोटो कवर सॉन्ग। तो मैं उसके बारे में आपको आज बताऊँगा। तो स्टार्टिंग करते हैं वेल ड्रम से। तो नहीं, चलो कॉर्ड से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं शिफ्ट दबा रहा हूँ, शिफ्ट, और जो हमारा जो व्हील होता है बीच वाला, उसको ऊपर कर रहा हूँ। तो आप जैसे कि मैंने पियानो इस वाले पे ट्रैक के ऊपर क्लिक किया, ऐसे आप कहीं भी कर सकते हो। शिफ्ट और बीच वाला जो स्क्रॉल बटन होता है ऊपर स्क्रॉल करने वाला व्हील, उससे आप कर सकते हो। तो देखो पहले पियानो। ये पियानो मेरा सेकंड ट्रैक में है। तो मैंने सिर्फ इसलिए ईक्यू किया है, ईक्यू भी नहीं किया वैसे। मैंने इसको सिर्फ जैसे रखा है मैंने वैसे रख दिया। ये सिंपली कॉर्ड है। उसके बाद मैंने देखा है स्नैप, फिंगर स्नैप। नहीं, ये तो कली हैट है, ठीक है। उसके बाद मैंने रखी गिटार। गिटार के सेम जो मैंने पियानो के कॉर्ड है वही पेस्ट करके उसमें डाल दिए, पर थोड़े टाइम बाद मैंने स्टार्ट किया। उसमें मैंने किया क्या है, सुनो। ईक्यू लगाया मैंने, मैंने अराउंड 100K तक उसे काट दिया, और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने डाउन किया है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर मैंने चखा इसका, ठीक है, थोड़ा शार्पनेस चेक किया, बाकी आप समझ जाना। मल्टीपैन कंप्रेसर लगाया मैंने, और मैंने इसका थोड़ा बेस काटा इसमें, और थोड़ी शार्पनेस निकाली है। कंप्रेसर लगाया मैंने इसके अंदर, थोड़ा सा कंप्रेसर से थोड़ा सा बाहर निकलेगा गिटार। स्टीरियो लगाया, थोड़ी सी स्टीरियो इफेक्ट भी आया इसके अंदर, स्टीरियो इफेक्ट नहीं आया था, और रिवर्ब लगाया मैंने इसमें। ओके, तो अब हम पियानो, हैट और गिटार सुनेंगे साथ में। पियानो और हैट साथ में सुनेंगे। दो मिनट रुको यार, मैं चीज कर लूँ अभी यहाँ से इसको निकाल के। हाँ, ये यहाँ पे ठीक रहेगा। मैं बोल यहाँ की साइड पे रहा हूँ, और मैं, हाँ अब तो ठीक है। तो ऐसे मैं कर रहा हूँ अभी, आवाज़ ढंग से आ नहीं रही इसलिए मैंने ऐसे करा। तो अब हम देखेंगे नीचे पैड्स। तो वही जो गिटार वाले कॉर्ड्स हैं वो नीचे पैड्स में मैंने पेस्ट कर दिए हैं। और देखो मैंने इसका हाई काटा है, क्योंकि हाई हमारी वोकल को ख़राब करेगा इसका। और मैंने इसका लो भी काट दिया, अराउंड 120, 2000 से मैंने इसे काट दिया है, 2000 के आधा बीच में। और यहाँ पे जो पाँचवा मैंने हल्का सा इसे डाउन किया है, अराउंड 3 dB। ओके, उसके बाद हम आगे जाएंगे स्नैप के ऊपर। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ मैंने सिंपली रखी हुई है, इसमें मैंने कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं है। तो आगे हम चलाएंगे बेस। इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने कुछ किया नहीं है वैसे, ज़्यादातर मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, क्योंकि जैसा मुझे अच्छी लगती थी साउंड में वैसे ही उसको रखता हूँ साउंड को, और बस। चलो आगे हमें रखूँगा इसमें राइज अप और राइज डाउन। इसको मैंने किया कैसे है, जैसे कि हमने एक ले लिया ऐसे, ठीक है। करना क्या है, हमने डालना है इसे मेक यूनिक करना है पहले। हमने इसकी हमने एक ले लिया और ये एक और ले लिया, ठीक है। इस कर लेंगे हम यहाँ से मेक यूनिक, यहाँ से डाल के मेक यूनिक कर लिया। उसके बाद इसको करूँगा मैं रिवर्स, तो ये ऐसे हो जाता है, जिसकी आप देख सकते हो गया ना, थोड़ा सा बीच में कट है। ये देखो यहाँ से इसको ऐसे करके, या ऐसे कर दो, इसको यहाँ लगा दो, है ना। तो उजले वाला जो मैंने किया है वो देखो, ठीक है। वोकल में मैंने क्या किया है वो देखना, क्योंकि बहुत मुझे लोग कहते हैं कि वोकल प्रोसेसिंग के बारे में बताओ, वोकल प्रोसेसिंग के बारे में बताओ। तो वोकल प्रोसेसिंग के बारे में आपको बता रहा हूँ मैं। ये देखो यहाँ पे गया, तूफान सिने विच मैंने पहले इक्वलाइजर किया ऐसे, अबाउट 100K ऐसे मैंने काट दिया है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा सा जो डाउन किया है इसकी थोड़ी शार्पनेस, जो मिड शार्पनेस होती है वो भी निकाली है 20K तक, ठीक है। और मैंने 50K, 50K नहीं है, 5000K को मैंने बूस्ट किया है,
5K को मैंने बूस्ट किया क्योंकि थोड़ी सी शार्पनेस है वोकल के अंदर। उसके बाद मैंने क्या किया कि नोवा का प्रीसेट लगाया टाइट मास्टरिंग वाला। इससे होता क्या कि वोकल हमारी एक तो टाइट भी ऊपर निकल के आती है और कंप्रेस भी होती है। फिर मैंने मल्टीवेट कंप्रेसर लगाया और उसमें किया क्या है, मैं करता क्या हूँ मैं आपको सिंपल बताऊँ। मैं मल्टीपैन के कंप्रेसर में प्रीसेट में गया, मैं गया वोकल के ऊपर, वोकल पे गया। मैं करता क्या ज़्यादा तो मैं वोकल सुनता हूँ। तूफान सिने विच सौ सवार कुड़े, शार्पनेस कम है इसकी, शार्पनेस कर लूँगा इसकी मैं। तूफान सिने विच सौ सवार कुड़े, हो गया ना बात, बन गई बात। फिर मैंने ऑटोट्यून लगाया इसमें। अगर आपको ऑटोट्यून नहीं लगाना तो मैं बता दूँ आपको, जो आपका गाना है उसकी पहले ये लिखा हुआ है की, ए के ऊपर आपको दिख रहा होगा ए, जो मैंने की लिखा हुआ है तो उसके ऊपर क्लिक करो। मैंने ए माइनर है तो मैंने ए माइनर चूज़ किया। ये स्केल को क्रोमिकली रहने दो, जिसकी देखो ऊपर लिखा हुआ है मेजर माइनर फिर क्रोमिकल, इसे क्रोमिकली ही रहने दो। ओके, उसके बाद आपने करना क्या है कि लिखा हुआ ना मेजर माइनर सेट, इसे माइनर कर दो, ये माइनर हो जाएगा सारा। और आपने करना क्या है, देखो जी 20 हो रहा है ये वाला, ये हमारा तो ऑड ट्यून, हमने कितना लगाना है। अगर इसे बिल्कुल ही कर चलाओगे कम करोगे तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ये मैं वोकल चलाता हूँ। तूफान सिने विच सौ सवार कुड़े के उठ दे तूफान सिने, ज़्यादा हो गया ना वो ट्यून, इसलिए इसको हल्का सा लगाओ कि हमारी वोकल थोड़ी सी प्रोफेशनल साउंड करे, क्योंकि प्रोफेशनल गानों में भी ऑड ट्यून लगता ही लगता है। चाहे आप कोई भी कवर सॉन्ग ले लो, ऑड ट्यून लगाते लगा उससे थोड़ी साउंड होती है प्रोफेशनल सी आती है, नहीं तो मरी मरी साउंड होती है। आपको पता लग जाएगा कि मरी मरी साउंड कैसे होती है। ओके, चलाओ, चलाती हैं सिर्फ। ए विच सौ सवार कुड़े तू सपने में आ ही जाती है। ओके, और आपने एक और चीज़ का करनी क्या है, देखो ये लिखा हुआ ना सप्रानो, इसे यहाँ पे करके ऑल्टो और टोनर पे कर दो, इससे अच्छी साउंड आएगी आपकी। बस इसे इतना ही करना होता है। उसके बाद मैंने लगाया फ्रूटी सेंट। फ्रूटी सेंट मैंने किया कैसे कि आपको मैं बता दूंगा। देखो पहले जाना है साइड चेंज कर देना है ट्रैक को क्लिक करके, जैसे कि मैं साइड चेंज हटा देता हूँ, साइड चेंज कर देना है, राइट क्लिक करो ट्रैक को और साइड चेंज टू डिस्ट्रैक कर दो, साइड चेंज डिस्ट्रैक कर दो। ओ ओके, तो आपने करना क्या है, देखो साइड चेंज कर दिया, उसके बाद फ्रूटी सेंट में जाना है। 19 को आपने साइड चेंज किया है ठीक है, और सेकेंड वाली फ्रूटी सेंट में जाना है और इसको 20 को कर दो, और कुछ नहीं करना। ओके देन हमारा काम। उसके बाद मैंने डाला क्या है इसमें, देखो सुनो, मैंने देखो इसमें हाई पास और लो पास फिल्टर डाल दिया, क्योंकि हमें मिड की वोकल चाहिए, हमें ही नहीं चाहिए कि एक वोकल साथ में और चलती हो, हमें डाउन वोकल चाहिए एकदम बैकग्राउंड में जो चलती चले वोकल। तो इसलिए मैंने हाई पास और लो पास डाल के इसमें हमने एक फ्रूटी डिले टू लगा दिया, और मैंने इसको स्टेप वाइज दे दिया चार फोर बार के ऊपर, फोर बीट के ऊपर कर दिया और पिंग पोंग पे कर दिया और इसको बीच में रख दिया। बस इतना ही काम है अपना। उसके बाद हमारी वो वोकल होती है तूफान सिने विच सौ सवार कुड़े। अभी हमारी वोकल आ रही है ड्राई, क्योंकि ड्राई क्यों आ रही है, क्योंकि हमने डिले रिवर्ब नहीं डाला। तो रिवर्ब देखो आप सुनो, रिवर्ब पर मैंने सेम यही चीज़ की है, मैंने हाई पास और लो पास फिल्टर डाल दिया, जैसे कि आप सिंपल ऐसे करके ऐसे कर सकते हो, इसको इतना, इसको इतना। ओके, फिर आपने करना क्या है, हमारे फ्रूटी रिवर्ब टू के अंदर एक प्रीसेट है जिसका नाम है लार्ज हॉल, क्लिक करना है ठीक है। हमें ड्राई को कर देना डाउन, वेट को कर देना अप और डिक्की को कर देना थोड़ा सा ऊपर। अब सुनना वोकल, तूफान सिने विच सौ सवार कुड़े। तूफान सिने विच सौ सवार कुड़े के उठ दे तूफान सिने विच सौ सवार कुड़े तू सपने में आ ही जा। दो मिनट को, ये क्या, अच्छा तूफान सिने विच सौ सवार कुड़े के उठ दे तूफान सिने। देखो अब रिवर भी आ, डिले भी आ रहा है और मेन वोकल तो हमारी है ही। उसके बाद किया क्या है मैंने, जो मेन चीज है बेस वाली आगे ऑटो, तो
तो मैं इसकी बीट सोच रहा था बीट कार से चलाऊं, तो मैंने इसको बीट जो उसकी मेन टेक लाइन थी, मैं देखूं तेरी फोटो, तो उसके ऊपर मैंने वार कुड़े मैं देखूं तेरी फोटो। अब सुनो इसकी बीट। है ना, साउंड अच्छी आ रही ना। तो हमने करना क्या है, नीचे जाके फिर मैंने इसमें लगाया कि सब 808 बेस, साउंड बड़ी अच्छी आ रही है। तो अब देखो हमने 808 को चलाना कैसे है। 808 808, ये आया हमारा 808 बेस। तो हमने पहले की ढूंढनी है अपने 808 की, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि ये हमारा 808 है, ठीक है। तो मैं एक नया 808 ले लेता हूँ, फिर आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि मैंने किया क्या है, ठीक है। मैंने एक 808 लिया, हमने करना है क्या, इस पर राइट क्लिक करना है और एडिट में जाना है। फिर देखो ये येला पार्ट दिख रहा है आपको, जहाँ पे ये लगा हुआ है, इस पर राइट क्लिक, हाँ राइट क्लिक करना है, और देखो डिटेक्ट पिच रीजन पे क्लिक करना है। ये हमारा दिखा रहा है E2, E मतलब कि ये E स्केल के ऊपर है, इसको चक के हमने इसमें डाल देना है। ओके, फिर हमने करना क्या है कि ये डब्बा सा बनाना, बॉक्स सा, यहाँ पे ये ऐसे बॉक्स बना लेना है, ये बॉक्स बन गया, और जो हमारा स्केल था E2 पे क्लिक कर दो, ठीक है। अब अपने E2 पे क्लिक कर दिया, अब जो आपका जो मेन कोड जो लाइन है आपकी, जो आपकी जो चल रही है लाइन, आप उसके ऊपर ही क्लिक कर सकते हो। देखो जिसकी हमने मेरा स्केल के ई के ऊपर है, तो मैं देखो मैं ये वाला बेस बंद कर देता हूँ जो मैंने बनाया 808, और मुझे पता है कि मेरा जो स्केल है वो ए माइनर के ऊपर है, तो मैं ए माइनर के ऊपर क्लिक करूँगा। ये ए माइनर के ऊपर बोलेगा, नहीं तो आपको मुश्किल कर जाएगी थोड़ी सी। जहाँ भी आप कोड जा रहे हैं आप वहीं पे इसे रख सकते हो, रख सकते हो। इसकी मेन जो लाइन होती है हमारी ए माइनर है, उसके बाद मैंने लगाया है एफ माइनर एफ मेजर, उसके ऊपर है जी मेजर, फिर उसके बाद एफ ई माइनर, तो ऐसे ऐसे आप रख सकते हो कोड के हिसाब से। तो और मैंने 808 को प्रोसेसिंग कैसे किया वो सुनो। ये देखो मैंने फ्रूटी कंप्रेसर लगाया इसके अंदर, तो मैंने किया क्या, सीधा सिर्फ ब्लोवर का प्रीसेट होता है वो लगाया मैंने। उससे होता है कि जो हमारी 808 होती है वो बहुत ही प्रोफेशनल साउंड करती है। और मैंने इसमें लगाया फ्रूटी लिमिटर, वो क्यों लगाया मैंने आपको दिखाता हूँ मैं। किक के ऊपर जाके हमने करना क्या है, 808 को साइड चेन कर देना है। साइड चेन के बाद करना कैसे आपको बताता हूँ मैं। देखो यहाँ पे गए, 808 के ऊपर क्लिक किया, राइट क्लिक कर, लेफ्ट क्लिक करना है और साइड चेन टू डिस्ट्रैक्ट कर देना है। उसके बाद हमने जाना है फ्रूटी लिमिटर के ऊपर, इसको मैं कर देता हूँ डिफॉल्ट एक बारी। कंप्रेसर सेट पे जाना है, कंप्रेसर सेट पे जाके आपने करना क्या है, ये देखो 808 हमारा जो आ गया, जो हमारी 808 नहीं है, जो हमारी किक है, किक का नाम है किक नॉर्मल जो है हमारी किक। चल क्यों नहीं किक हमारी, ये रही, ठीक है। अब मैं 808 चलाता हूँ, ये हमारी 808 की वे फाइल देखो जो यहाँ पे आ रही है। तो अभी आपको लगेगा पता कि मैंने 808 को कैसे करता हूँ। ये आपका थ्रेशोल्ड है, उसको आपने कर देना डाउन, और जो रेशियो है उसको भी कर देना आपको अप, ठीक है। अब आप सुनना, जब भी हमारी किक आएगी तो 808 डाउन होगी। ये देखो ये आपको दिख रहा होगा, जो ये आपको ये दिख रहा है ना, ये पर्पल सा, इसका मतलब यहाँ पे हमारी 808 डाउन हो रही है फिर ऊपर आ रही है। तो यही तरीका है, नहीं तो किक और 808 में इतना बेस होता है कि हमारे गाने को ख़राब करेंगे वो, ठीक है जी। तो उसके बाद हमें इस ट्रैक को पूछ लाता हूँ। फोटो सौ सवार कुड़े के उठ दे तूफान सीने विच, सौ सवार कुड़े मैं देखू तेरी फोटो, सौ सवार कुड़े
कर दिया ऐसे तेरे बिन अब रह न सकूं। आगे सेम ही है सारा ट्रैक, ये कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें, कहीं चीज़ बंद हो रही है कहीं चीज़ चल रही है, बाकी सब कुछ सारा चीज़ सेम ही है। आगे मैंने और कुछ नया कुछ चीज़ कही नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना और इस चैनल को और देखना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।